दूरी 1250 किलोमीटर में पूरी हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे देश के कई शहरों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, मेवात, कोटा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, दहिसर और मुंबई शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 10 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। 50 किलोमीटर के अंतराल पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था के साथ ही सोलर प्लांट और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे शहर, इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर भी बसाए जाएंगे। इस रूट पर वाहन सुरक्षित चल सकें, इसके लिए एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने पर एक ट्रक जो एक महीने में दिल्ली मुंबई के बीच 6 या 7 चक्कर लगा पाता है, वो 11 से 12 चक्कर लगा सकेगा। वर्तमान में देश के कार्गो का 15% हिस्सा दिल्ली मुंबई हाईवे के जरिए पहुंचाया जाता है और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी होना तय है। अन्य देशों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत ज्यादा है। फिलहाल एक दिन में ट्रक औसतन 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जो बढ़कर 400 किलोमीटर हो जाएगी। 21वीं सदी के भारत में ट्रक्स और बसेस इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक ईंधन से ही अन्य व्हीकल्स चलेंगे, इससे लागत में कमी आएगी। इसलिए हमारे देश में भी हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवेज में बदलने की योजना पर काम चल रहा है। मेट्रो की तरह ट्रक या बसेस भी ऊपर इलेक्ट्रिक केबल्स पर चलेंगी। आपको बता दें, इससे पहले जर्मनी ने भी बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए इलेक्ट्रिक हाईवेज पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके तहत सड़क के ऊपर बिजली की तारें बिछाई गई जो हाइब्रिड ट्रक्स को पावर देती हैं, जिससे बिना प्रदूषण हाइब्रिड ट्रक्स सामान को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने में सक्षम हो पाए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक इलेक्ट्रिक हाईवे मार्ग की योजना पर काम चल रहा है। इस 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यूरोप की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे बने।